सबसे पहले हमने चिकन को उबाल लेना है। चिकन को उबालने के लिए मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक चम्मच ऑयल डाला है, उसमें इस तरह बोनलेस चिकन था तो छोटी छोटी बोटियाँ करके ना, तो इस तरह उसको बस फ्राई कर लिया। और इस साथ में ये बन हताई जिसे कहते हैं, इससे ये होगा कि आपके चिकन में से स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग कबाब बनाते हैं चिकन के तो लेकिन उसमें से स्मेल आती है। आज हम जो है ना, मैं आपको ये तरीका बताती हूँ, इसमें मोटी इलायची फ्राई करते वक्त और साथ में हमने बन हताई का एक फूल डाल दिया, इससे ये होगा कि चिकन की स्मेल बहुत अच्छी आएगी और जो चिकन की होती है ना बदबूदार सी स्मेल वो नहीं आएगी, ठीक। मोटी इलायची जो होती है ना, ये गर्म मसाले वाली, ये वाली मोटी इलायची हमने इसमें डालनी है, ठीक है। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे इसको गलाने के लिए, निकल आएगा। सूप जो है वो आप अपने चावल जब पकाएं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना, हमें तो सिर्फ बोटियां चाहिए जिनके हमने रेशे करने हैं, तो जो सूप है वो आप अपने लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं चावल वगैरह में डाल के, ठीक है। इसमें ज़्यादा सा पानी डाल के अब इसके अंदर मैं जो है ना एक चम्मच नमक ऐड करूँगी। ये नमक एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 15 मिनट हम रखेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर ये गल चुका होगा, सही तरह गल चुका होगा, तो हम इसके रेशे कर लेंगे। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके इसके इस तरह रेशे कर लिए। उधर मैंने आलू भी उबाल लिए हैं 2 बड़े अदद, और उसके साथ हमने लेनी है हरी मिर्च थोड़ी सी चॉप की हुई, साथ में मैंने लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा एक चम्मच ले लिया, थोड़े से प्याज छोटे छोटे चॉप कर लिए, अच्छा साथ में अदरक का पाउडर डाल लूँगी। चलिए जी, हम एक बाउल में जो है ना हमने जो बनाए हुए हैं, क्या नाम है उसका, चिकन, उसको हम इस तरह डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैं आलू डालूंगी, इसके अंदर जाएंगे, अंदर हम सारे मसाले डालते हैं, प्याज जो चॉप किया हुआ, साथ में लहसुन का पेस्ट, साथ में हरी मिर्चें, 2 अदद हरी मिर्चें थी। अब हम इसमें एक चम्मच नमक, थोड़ी सी हम जो है ना सुरख मिर्च, थोड़ी सी ये वाली कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और साथ में हम मेथी दाना डाल देंगे। धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे घर वालों को धनिया नहीं पसंद तो मैं वो स्किप कर रही हूँ, आप इसमें धनिया भी डाल लें। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। अब इसमें अदरक का जो है पाउडर वो थोड़ा सा डालेंगे, वो तकरीबन मैंने आधी चम्मच ले लिया। थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। चलिए जी, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, इसको हाथों की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी सा कर लें, उसके बाद छोटे छोटे कबाब के बॉल्स से बना लें। जैसे आप गोल सा बॉल बना लेंगे, इसे आराम से हथेली से प्रेस ही करेंगे, फिर फिंगर से प्रेस करें, इसकी इतनी अच्छी ज़बरदस्ती शेप बन जाएगी। किनारों को आप सेट कर लें, सही तरह से गोल करें ताकि हमारे कबाब ना सिर्फ खाने में मज़ेदार हों, देखने में भी खूबसूरत हों। ये देख लें हमारी कितनी ज़बरदस्त टिक्की सी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम अंडे के अंदर डिप कर लेते हैं। अंडे में मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस अंडे को जो बीट कर लिया था एक अंडा, उसको फिर हमने इसमें डिप करने के बाद मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी। ब्रेड क्रम्स ये मेरे होम मेड हैं, आप चाहे तो बाज़ार से ले सकते हैं, चाहे तो आप घर पे भी इजीली ये बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह इसकी ब्रेड कोटिंग करने के बाद इसको अलग कर लेंगे और इसी तरह वन बाय वन हम सारे कबाब जो हैं इसके कीमे के तैयार कर लेंगे।
अच्छा, ये सारे कबाब जो है मैंने बना के तैयार कर लिए, इन पे कोटिंग कर ली। अब इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि अंदर से तो ये पहले ऑलरेडी पके हुए हैं। कीमा भी पका हुआ था, आलू भी पका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने देख लें, फ्लेम बहुत ही लो रखी हुई है, बहुत तेज़ आँच पर नहीं पकाना, वरना आपके कबाब जल्दी से जल के पकेंगे तो वो देखने में भी खूबसूरत नहीं होंगे। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी हीट मैंने लो से मीडियम रखी हुई है। अब इसके ऊपर मैं सारे कबाब डाल रही हूँ, और इसमें ऑयल भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डाला कि इसको अंदर डिप होना पड़े। बस इतना सा रखा है कि एक साइड पक जाए, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे कबाब कितने अच्छे बन के तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह, जो देखने में इतने ज़बरदस्त हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार रेशेदार से कबाब बनेंगे। और इसकी ये नहायत आसान रेसिपी है। हम क्या करते हैं कि अब जो बाकी हैं वो उनको भी मैंने तलने के लिए रख दिया, ये पीछे मेरे बकाया रह गए थे जितने ये मेरे कबाब बने थे। चलें जी, ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह रेशेदार मज़ेदार आलू और चिकन के कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।